और जांजगीर चांपा जिले के चापा नगर के सदर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इस आग की चपेट में जनरल स्टोर भी आ गया और देखते ही देखते दोनों दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है इस घटना में दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर में मिठाई दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में एक जनरल स्टोर भी आ गया। घटना में दोनों दुकानें जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि दुकान संचालकों को इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। यह पूरी घटना सदर बाजार इलाके की है। यह इलाका काफी सघन बस्ती है जिसकी वजह से आग के अन्य घरों और दुकानों में भी फैलने की आशंका थी, मगर स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। घटना सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच की है और घटना की वजह से अभी स्पष्ट नहीं है, मगर शॉर्ट सर्किट को वजह बताई जा रही है। जबकि होटल में कई गैस सिलेंडर रखे थे जिनमें गैस का रिसाव होना इस भीषण आगजनी की वजह भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 9/11/18 को अनिल सरवानी सदर बाजार चांपा में उनके दुकान में आगजनी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फायर ब्रिगेड PIA और उनके कर्मी से बुलाया गया और वहां पर जाकर लगभग आधा एक घंटे में आग पर काबू पाया गया है। उनके दुकान में काफ़ी सामान अस्त व्यस्त था और जलनी भी पाई गई है। अभी उसमें कितना रुपये का सामान जला हुआ है वह भी स्थिति का आंकलन नहीं बताया जा सकता। जब तक दुकानदार जो है अपने को नहीं बताया जा सकता तब तक नहीं बता सकते। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।